हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आप सबका youtube.com/mdmudassiralam चैनल पर स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। 17 जून 2024 CUET 2024 में शामिल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के काउंसलिंग, एडमिशन, मेरिट लिस्ट, एडमिशन कैंसिलेशन, इन सब इंफॉर्मेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं करीब करीब 25 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट्स शेयर करूंगा, इसलिए आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करिए, दूसरों से शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और ज्वाइन कर आप इस चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं, जिससे आपको एक्सक्लूसिव जानकारी मिलती है। ज्वाइन आप कर सकते हैं CUET 2024 और साथ ही CUET क्वेरीज, ये मंथली सब्सक्रिप्शंस हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ शामिल हुई हैं CUET 2024 में, उनकी लिस्ट आपको इस पोर्टल पर मिलती है। आप इस पोर्टल पर डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के नाम को क्लिक कर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और एडमिशन के रिगार्डिंग लेटेस्ट जानकारी हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं एक साथ आपको 10 मिनट से भी कम टाइम में सारी यूनिवर्सिटीज़ की इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, इसलिए आप ध्यान से यूनिवर्सिटीज़ की इंफॉर्मेशन को देखें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, पिछले 24 घंटे में कोई नई नोटिस नहीं आई है। पिछली नोटिस MSc बायोटेक्नोलॉजी DBT सपोर्टेड MSc बायोटेक्नोलॉजी के एडमिशन के रिगार्डिंग है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं, डिटेल्स यहां दिए हुए हैं। साथ ही साथ ये सेकेंड राउंड के एडमिशन के बाद जो प्रोविजनल लिस्ट आई थी, ये पुरानी नोटिस है और इसके अलावा फिलहाल अभी कोई नई नोटिस नहीं आई है। असम यूनिवर्सिटी ने अभी तक CUET के थ्रू एडमिशन के रिगार्डिंग कोई नई नोटिस जारी नहीं की है, पुराने ही नोटिसेज यहाँ दिख रही हैं। यूनिवर्सिटी ने UG IG कोर्सेज के लिए एडमिशन के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसे आप क्लिक कर यहाँ देख सकते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, पिछले 2 दिन में कोई नई नोटिस नहीं आई है, पुरानी नोटिसेज 14 जून की हैं, इनको आप क्लिक कर देख सकते हैं। अगर आपके अकॉर्डिंग कुछ भी जानकारी यहाँ पर है तो आप अकॉर्डिंगली प्रोसीड करें। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, कुछ और हेल्प चाहिए तो हेल्प डेस्क पर आप ईमेल ज़रूर करें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं की गई है मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग, तो फिलहाल अभी आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात ने सेकेंड लिस्ट जारी किया था मेरिट लिस्ट, आप इन लिंक्स को क्लिक कर चेक कर सकते हैं कि आपका नाम इस रजिस्ट्रेशन लिंक में है कि नहीं, इस एडमिशन लिस्ट में है कि नहीं, और अगर फर्दर कोई जानकारी चाहिए तो आप इन नोटिसेस को क्लिक कर देख सकते हैं। तो कुल 20 कोर्सेज हैं PG लेवल पर, जिसके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी की है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है, 15 जून तक थी, आगे कोई नई नोटिस पिछले 24 घंटे में नहीं आई है। लेटेस्ट नोटिसेस के लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट करते रहें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल में आप ओपन आप फिर विदाउट एन CUET भी एडमिशन ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चालू है और 22 जून तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की लिंक यहाँ दी हुई है, डिटेल्स आप इन लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा मौका है। अगर आपने मौका गवा दिया है CUET के थ्रू एडमिशन के लिए या किसी और यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल में आप ट्राई कर सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के PG एडमिशन के लिए सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन चल रही है, आप इस लिंक के थ्रू रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन लिंक्स को क्लिक कर सकते हैं। साथ ही साथ 4th मेरिट लिस्ट भी यूनिवर्सिटी ने जारी किया है CUET के थ्रू। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के तरफ से कोई नई नोटिस नहीं आई है, पुरानी ही नोटिस यहाँ दिख रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं। अभी मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई है यूनिवर्सिटी के द्वारा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से भी पुराने नोटिसेस ही दिख रहे हैं, आप इन नोटिसेज में अपने नाम को चेक कर सकते हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, और इसी तरह से आप सेकंड पेज पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे भी आपको कुछ और कोर्सेज की लिस्ट मिलेगी, आप एडमिशन लिस्ट चेक कर लें। अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आपको आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा में लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 16 मई था, तो रजिस्ट्रेशन अब क्लोज हो चुकी है। आज एकेडमिक डिटेल्स अपलोड सेक्शन के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स आएंगी, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस लिंक को क्लिक करें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, पिछले 24 घंटे में कोई नोटिस नहीं आई है, पुराने ही नोटिसेज आपको यहाँ दिख रही हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेकेंड राउंड की एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की गई थी, पिछले 24 घंटे में अभी कोई नई नोटिस जारी नहीं हुई है, इस लिंक को क्लिक कर आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। सेंट्रल
यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, पिछले 24 घंटे में कोई नई नोटिस नहीं आई है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप यूनिवर्सिटी के मेन वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, और पीजी एडमिशन के लिंक से ही ये वेबसाइट ओपन हुई है, और इसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिलहाल कोई नई जानकारी नहीं आई है, जैसा कि आप देख रहे हैं कोई मेरिट लिस्ट कुछ भी जारी नहीं किया गया है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय एमपी, एक नई नोटिस आई है, कट ऑफ मार्क्स फॉर पीजी थर्ड राउंड काउंसलिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप क्लिक कर सकते हैं। कट ऑफ मार्क्स के ज़्यादा या बराबर मार्क्स हैं आपके, तो आपके इस यूनिवर्सिटी के लिए फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। तो यहाँ कट ऑफ मार्क्स भी आ गया है इस नोटिस में। इस नोटिस को आप ओपन कर देख सकते हैं कि कितने कट ऑफ मार्क हैं और आगे की क्या संभावनाएं हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सब्जेक्ट वाइज किन में सीटें खाली हैं और किस में सीटें खाली नहीं हैं। बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो बायोटेक्नोलॉजी में अभी भी यहाँ ऑप्शन है, अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया है तो अभी भी आपके पास मौका है फीस सबमिशन करने का। इफ्लू यूनिवर्सिटी की कई नोटिसेस पहले ही आई थी, अभी कोई नई नोटिस नहीं आई है। जो भी नई नोटिस आती है ऊपर ही स्क्रॉल टैब में आपको दिखता है, वहीं पर आप क्लिक कर सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। फिलहाल कोई नई नोटिस नहीं आई है, पुरानी ही नोटिसेज शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की दिख रही हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे पीजी प्रोग्राम्स की, तो आपको नोटिस दिख जाएगी। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्लोज हो चुकी है, अभी पिछले 24 घंटे में कोई नई नोटिस इस यूनिवर्सिटी की नहीं आई है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तो आपको मैंने पहले बताया था कि कल भी बताया था कि लिस्ट जारी हो चुकी है, आप अपने नाम को इस पोर्टल पर चेक कर सकते हैं और आगे की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में पिछले 24 घंटे में कोई नई नोटिस नहीं आई है। सेवंथ राउंड की काउंसलिंग के लिए फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस और केमिस्ट्री की लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं। इसके अलावा ऑन स्पॉट एडमिशन की भी कुछ नोटिसेस पहले आई थी, इसके अलावा कोई नोटिस नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली देख सकते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थी वो क्लोज हो चुकी है, अब फर्दर कोई नई जानकारी नहीं आई है। कोई भी नई जानकारी आएगी तो आपको इसी पेज पर मिलेगी, तो इस पेज को आप विजिट करते रहें, आपको ज़रूर लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगे। मणिपुर यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन आप 21 जून तक करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की लिंक यहाँ दी हुई है। आप टर्म्स कंडीशन पढ़कर आप इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिजोरम यूनिवर्सिटी के पेज को आप देख सकते हैं, मिजोरम यूनिवर्सिटी की होम पेज है। इसमें सीएट के थ्रू एडमिशन के रिगार्डिंग अभी कोई नई जानकारी पिछले 24 घंटे में नहीं आई है। जो भी जानकारी आई है MJUE के थ्रू, इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के थ्रू है। सीएट के रिगार्डिंग अभी फिलहाल कोई भी अपडेट यूनिवर्सिटी ने जारी नहीं किया है। नेहू की पुरानी ही नोटिस आपको दिख रही है 13 जून की। इसमें जैसे कहा गया है कि प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन के लिए ओपन हो चुके हैं एडमिशन, आप क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं। सिक्किम यूनिवर्सिटी में भी पिछले 24 घंटे में कोई नई जानकारी नहीं आई है, जो अभी नोटिसेज हैं पुरानी है। तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप यूनिवर्सिटी के लेटेस्ट नोटिसेज को यहीं देख सकते हैं। जैसे कि यूजी के रिगार्डिंग अभी कोई नई जानकारी नहीं आई है। सिक्किम के बाद देखते हैं तेजपुर यूनिवर्सिटी, लेटेस्ट नोटिसेज आपको यहाँ स्क्रॉल में भी दिखती हैं, साथ ही साथ आप डायरेक्टली पीजी एडमिशन के पेज को यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो आगे आपको एडमिशन्स के रिगार्डिंग सारे नोटिसेज आपको यहीं दिखेंगे। 15 जून की लास्ट नोटिस है पीएचडी के रिगार्डिंग, इसके अलावा कोई नई जानकारी नहीं है। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में ओपन एडमिशन चल रहा है, नई रजिस्ट्रेशन हो रही है, जो कि आप 20 जून तक करा सकते हैं। कौन कौन से कोर्सेज हैं, किन किन कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जब आप एडमिशन टैब पर जाएंगे, जब से आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी त्रिपुरा यूनिवर्सिटी की। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी के इस पेज पर आप देख सकते हैं नॉन सीएट बेट एप्लीकेशन टू पीजी एंड पीजी प्रोग्राम। यहां से आप क्लिक करें तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में आप 25 जून तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की लिंक यहाँ दी हुई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश में रजिस्ट्रेशन आप क्लोज हो चुके हैं, अब आपको लेटेस्ट नोटिसेस के लिए यूनिवर्सिटी के एडमिशन पेज को आप विजिट करते रहें। फिलहाल कोई रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं हो रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में 13 जून की लास्ट नोटिस आई है, इसके अलावा कोई नई नोटिस है नहीं। एमबीए की नोटिस आई थी, साथ ही साथ फर्स्ट मेरिट लिस्ट पीजी एडमिशन की आई है। लिंक्स को क्लिक कर आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु पीजी के मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग जानकारी आपको इसी पेज पर मिलती है, आप लिंक को क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो स्क्रॉल हो रहा है यहीं पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जो भी नोटिसेज हैं, जो भी लिस्ट हैं, वो आपको इसी पेज पर मिलेंगे, साथ ही साथ अनाउंसमेंट पेज पर भी आपको लेटेस्ट नोटिसेज मिलती हैं। तो ऊपर स्क्रॉल में भी आप चेक करेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है गेट बी के थ्रू, रजिस्ट्रेशन के स्क्रॉल चल रहा है। इसके अलावा और भी पीजी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको टॉप पे ही
जो लिंक्स हैं यहाँ पे आप क्लिक करें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, पिछले 24 घंटे में कोई नई नोटिस नहीं आई है, पुराने नोटिसेज यहाँ दिख रही हैं। सारे नोटिसेज के लिए आप यहाँ क्लिक करें, आपको लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ से मिल जाएंगे। पीजीएन पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तो पहले ही आ गई थी, इसके अलावा गेट वी के थ्रू एडमिशन और दूसरी नोटिसेज आपको यहीं मिलती हैं। और इसके साथ ही केरल भी है, केरला में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि केरला में फाइनल एडमिशन लिस्ट जारी हो चुकी है। तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को विजिट करते रहें, आपको सारी जानकारी दी जाती है, अलग अलग टॉपिक्स पे जानकारी दी जाती है। बस आपको करना यह है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट करना है और वहाँ से लेटेस्ट जानकारी हासिल करने हैं। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट विशेष फॉर एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ योर चॉइस।